नमस्कार। राहुल जी ने जो कल बयान दिया है और कल जब भाषण किया उसके ऊपर आज सवालिया निशान पैदा किए जा गए हैं और इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चरमरा गई है, किस तरह से घबराई गई है। जब ये सवाल वो करते हैं, हमारे भी सवाल सुन लीजिए उसके ऊपर। जब हमारी महिला पहलवानों को रास्ते पे घसीट दिया गया था, उनका हक मांगने के लिए जब आई तो दमनकारियों को घर में रख के उनको तो उन्होंने शेल्टर दिया, उनको आरक्षण दिया, संरक्षण दिया, लेकिन जो हमारी महिला पहलवान थी उनको घसीट के लेके गए रास्ते पे से, उसका जवाब कौन देगा? जब हमारी उन्नाव, हाथरस हो, उन्नाव हो या कानपुर हो, वो जो घटनाएं घटी, हमने आवाज उठाना चाहा लेकिन हमारा आवाज दबाने की कोशिश इन लोगों ने की और आवाज दबाने की कोशिश करके उन्होंने वो घटना को ही दबा देने की कोशिश की। हमारी लड़कियों के ऊपर बलात्कार हुए, इतना ही नहीं तो कुछ लड़कियों को जलाया गया, कितनों को मार दिया गया, उसके ऊपर भी कोई बोल नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात, मणिपुर इतने दिन से जल रहा है और मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, मणिपुर में हमारी जो एक लड़की महिला थी उसको परेड करके, नग्न करके उनको लेके गए। जब सत्य और असत्य की लड़ाई होती है तो हमेशा विजय सत्य का होता है और ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। जब द्रौपदी को भरे दरबार में उनका अपमानित किया गया, उनको जो दमन कर दिया गया, तो पूरी सत्ता हंस रही थी, अपने मददुंद होके हंस रही थी, लेकिन द्रौपदी के बाजू में श्री कृष्ण था और हमें लड़ाई में आखिर यश तो उनको ही मिला। सत्य में विजय थी।